वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। फिजिकल फार्मेसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवापोरेशन। एवापोरेशन हम किसे कहते हैं? जब भी किसी लिक्विड से वेपर्स का फ्री स्केप हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट से पहले, तो वो हमारे पास कहलाता है एवापोरेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो है वेपर्स अगर निकलना स्टार्ट हो जाए किसी लिक्विड से, तो वो कहलाती है एवापोरेशन। या दूसरा हम कह सकते हैं कि जब भी जो है किसी सॉल्यूशन से लिक्विड रिमूव हो बॉयल करने पे, तो वो कहलाती है एवापोरेशन। इसके लिए जो है हमें सूटेबल वेसल रिक्वायर्ड होती है, जिसके अंदर जो है हम उस लिक्विड को या सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो है वेपर्स वहाँ से रिमूव हो सकें और पीछे जो है एक कंसनट्रेटेड लिक्विड हमारे पास बच जाए। ये इवन दो जो है हमारे पास एवापोरेशन रूम टेम्परेचर भी हो जाती है, मगर प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो इसके लिए हमें जो है थोड़ी हीट रिक्वायर्ड होती है, ताकि रिएक्शन को फास्ट किया जा सके। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एवापोरेशन पे? सबसे पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवापोरेशन से। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे जो है एवापोरेशन बढ़ेगी। हीट स्टेबल प्रिपरेशन जो है उन्हें हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके आराम से जो है ईजिली एवापोरेट कर सकते हैं, जबकि जो थर्मोलेबाइल प्रिपरेशन है उन्हें जो है हम लो टेम्परेचर्स पे रखेंगे, क्योंकि वो थर्मोलेबाइल है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो डीनेचर या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है एवापोरेशन जल्दी होगी। अब इसकी एक एग्जांपल है सिंपली, एक तरफ आप जो है ना पानी का एक गिलास भरें, वो जो है फर्श पे गिरा दें, ठीक है, दूसरी तरफ पानी का एक गिलास भरें वो उस गिलास में ही रहने दें, तो कौन सा जल्दी जो है वहाँ से सूख जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा? जो हम फर्श पे फैला देते हैं, गिरा देते हैं, वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो वेपर्स जो हैं वो जल्दी से जो है वहाँ से रिमूव होंगे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, जबकि गिलास में हमारे पास सरफेस एरिया कम है तो वहाँ से जो है वो वेपर्स इतना ईजीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है तो उससे जो है एवापोरेशन बढ़ती है, तो इसीलिए सरफेस एरिया भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवापोरेशन से। इसके अलावा एजाइटेशन, एजाइटेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवापोरेशन से। जब भी किसी मटेरियल को हम जो है एजाइटेट करते हैं, जितना हिलाएंगे वो उतना जल्दी जो है एवापोरेट होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जब मूवमेंट होती है, एक तो उस मूवमेंट की वजह से हीट जनरेट होती है, दूसरा क्या होता है कि अगर हमारे पास जो हीटेड मॉलिक्यूल है वो नीचे मौजूद है, एजाइटेशन की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स वो हीटेड ऊपर आ जाएंगे, और फिर जो है हमारे पास जिन तक हीट प्रोवाइड नहीं होती वो मॉलिक्यूल नीचे मूव करेंगे। तो इस तरह एजाइटेशन की मदद से जो है हम एवापोरेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक एक्वस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एक्वस प्रेशर जो है ना वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है एवापोरेशन से। अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक एक्वस प्रेशर ज़्यादा हो, सिंपली अगर हम जो है किसी बर्तन के अंदर से मटीरियल को, लिक्विड को एवापोरेट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एवापोरेशन स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पानी मौजूद है, ह्यूमिड कंडीशन है, तो वहाँ से जो है वेपर्स का स्केप इतना जल्दी नहीं होगा। उसी की जगह अगर उसके अराउंड वेपर प्रेशर कम हो, क्योंकि ऊपर से वेपर प्रेशर बन रहा है ना, वेपर प्रेशर उन जो है पार्टिकल्स को स्केप नहीं होने देगा जो हमारे पास लिक्विड से या सॉल्यूशन से निकलने वाले हैं, तो इसी वजह से जो है एवापोरेशन कम होगी। तो जब भी हम वेपर प्रेशर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से जो है एवापोरेशन बढ़ जाएगी। तो वेपर प्रेशर को कैसे कम किया जा सकता है? जो हमारे पास पैन है, एवापोरेटिंग पैन या एवापोरेटिंग स्टिल, उसके ऊपर से अगर हम जो है वार्म एयर को गुजारें, क्योंकि वो जो है उसको ड्राई कर देगी, जो वहाँ पे वेपर्स होंगे उन्हें रिमूव कर देगी वो वार्म एयर, तो उसकी वजह से जो है एवापोरेशन हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखने होते हैं, जैसे इकॉनमी ऑफ लेबर हो गया, फ्यूल, उसके अलावा एरिया, मटीरियल जो है, ये सब चीज़ें भी देखी जाएंगी कि ये जो है फैक्टर्स मेनली हमारे पास एवापोरेशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कि फिर हम कौन सा मेथड सिलेक्ट करें, कौन सा जो है प्रोसेस करें। अब मेथड्स या प्रोडक्शन किस तरह होती है? दो हमारे पास मेथड या प्रोडक्शन है, एक स्मॉल स्केल मेथड, दूसरा लार्ज स्केल मेथड। स्मॉल स्केल मेथड के लिए जो है हम पोर्सलिन या ग्लास डिश जो है वो यूज़ करते हैं, उसमें जो है मैक्सिमम टेम्परेचर दिया जाता है मुख्तलिफ बाथ्स के थ्रू, जैसे वाटर बाथ हो गए, जो भी डायरेक्ट हम हीट के थ्रू उसमें जो है हीट प्रोवाइड की जाती है पोर्सलिन या ग्लास डिश को, और उससे जो है एवापोरेशन की जाती है। लार्ज स्केल पे हम जो है एवापोरेटिंग पैंस या एवापोरेटिंग स्टिल्स यूज़ कर रहे होते हैं। एवापोरेटिंग पैंस क्या होते हैं? हेमी स्फेरिकल, मतलब हाफ स्फीयर वाले हमारे पास जो है एक कंटेनर मौजूद होते हैं, जो कॉपर या स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम के बने होते हैं। हेमी स्फेरिकल इस शेप क्यों हम रखते हैं? इसमें जो है ना बेस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशो मिलता है हमें हीटिंग के लिए, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें जो है
एक अच्छा मिल जाता है हीट प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए जो है हेमी स्फेरिकल शेप जो है वो बेहतर रहती है। इसके अलावा एवापरेटिंग स्टील्स जो हैं ये भी कंसिस्ट करते हैं कॉपर या स्टेनलेस स्टील के जो हैं वेसल होते हैं, उनके ऊपर जो है कवर मौजूद होता है। कवर के बाद फिर जो है कंडेंसर के साथ वो लगे हुए होते हैं, और कंडेंसर जो है वापस जो है एवापरेटेड सॉल्वेंट, जो हमारे पास सॉल्वेंट एवापरेट होके गया उसको कंडेंस बैक कर देंगे। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये जो है लिक्विड एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट या ड्राई एक्सट्रैक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, एंजाइम्स या हार्मोन्स हैं जिनमें हमें जो है टेम्परेचर थोड़ा कम प्रोवाइड करना होता है, ऐसी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो है एवापरेशन यूज़ की जाती है। वेपराइजेशन हम किसे कहते हैं, वेपराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है वेपर्स के अंदर एट रूम टेम्परेचर या जो है बॉइलिंग के थ्रू। जब भी हम जो है किसी लिक्विड को बॉयल करें और वो जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो प्रोसेस कहलाता है वेपराइजेशन। इसके अलावा फ्रीज ड्राइंग या लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग या लाइफलाइजेशन हम किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जो है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को या सब्सटेंस को फ्रीज करें और फिर जो है उसको ड्राई करें सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो ये हमारे पास कहलाता है फ्रीज ड्राइंग या लाइफलाइजेशन। इसमें जो प्रेशर है ना वो ट्रिपल पॉइंट से नीचे रखा जाता है। बायोलॉजिक्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो थर्मोलेबाइल होती हैं उन्हें जो है हम फ्रीज ड्राइंग या लाइफलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ड्राई करते हैं, मतलब इसमें जो है इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ता ताकि जो है थर्मल इफ़ेक्ट्स जो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स हैं थर्मोलेबाइल सब्सटेंस पे उन्हें मिनिमाइज़ किया जा सके, क्योंकि हम टेम्परेचर जो है बहुत ही लो क्वांटिटी में देते हैं। अब स्टेजेस अगर हम देखें फ्रीज ड्राइंग के, सबसे पहला क्या किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसे फ्रोज किया जाएगा रेफ्रिजरेशन के थ्रू, फिर उसके बाद चैम्बर और कंडेंसर जो है उससे जो है एयर को रिमूव किया जाएगा वैक्यूम पंप के थ्रू, फिर उसके बाद हीट प्रोवाइड की जाएगी प्रोडक्ट को ताकि सप्लीमेशन का प्रोसेस हो सके, फिर प्रोसेस जो है तब तक कंटिन्यू किया जाएगा जब तक जो है प्रोडक्ट ड्राई हो जाए और पीछे जो है हमारे पास एक स्पंजी मैट्रिक्स जो है बचे सॉलिड मटेरियल का, तब तक जो है हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा सब्लीमेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है सॉलिड जो है ना हीटिंग पे डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए वेपर्स के अंदर, मतलब बीच में लिक्विड स्टेट ना बने। नॉर्मली जब भी देखा है हमने कि किसी जो है सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड के बाद जो है वो वेपर्स में फर्दर हीट पे कन्वर्ट होता है, मगर सब्लीमेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड जो है ना हीट प्रोवाइड करने पे डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट उसमें लिक्विड की नहीं बनती, और फिर अगर कंडेंसेशन करें उन वेपर्स की तो वो वापस सॉलिड में बन जाते हैं, मतलब बीच में जो है लिक्विड वाली स्टेट वो नहीं बन रही। और जो इस प्रोसेस के थ्रू हमें प्रोडक्ट मिलता है सब्लीमेशन के प्रोसेस के थ्रू उसे हम कहते हैं सब्लीमेट। सॉलिड जो है ना सब्लीमेट हो जाता है या सब्लाइम हो जाता है जब भी जो है प्रेशर हम ट्रिपल पॉइंट से कम रखते हैं। ट्रिपल पॉइंट हम किसे कहते हैं, अब ट्रिपल पॉइंट ऐसी पॉइंट है, ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर है जिसमें जो है हमारे पास तीनों मैटर की स्टेट को एग्जिस्ट करती हूँ, मतलब सॉलिड लिक्विड और वेपर वाली जो स्टेट है तीनों स्टेट इक्विलिब्रम के अंदर को एग्जिस्ट करती हूँ, ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अगर सॉलिड जो है वो वापस हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, वेपर से फिर वापस जो है कंडेंस होके सॉलिड बन जाए तो वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है ट्रू सप्लीमेशन का, मतलब सॉलिड से वेपर्स बने और फिर वेपर्स से जो है ना वापस सॉलिड मिल रहा है तो वो हमारे पास ट्रू सप्लीमेशन का प्रोसेस कहलाता है। सप्लीमेशन की एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे आयोडीन, कैम्फर, मरकरी क्लोराइड या सल्फर वगैरह की प्योरीफिकेशन के लिए। इसके अलावा आयोडीन की मैन्युफैक्चरिंग में अमोनियम क्लोराइड या नेफ्थलीन की जो है मैन्युफैक्चरिंग में सप्लीमेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। इसके अलावा वोलेटाइल सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें से जो है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डेसिकेशन से फर्दर अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।